आज मैं आपको बताती हूँ भाप के पापड़ कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने राइस फ्लोर ले लिया, आप थोड़ा सा लेके देखो पहले, और फिर मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। वाटर को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, हमें ऐसे धीरे धीरे ऐड करना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ऑलमोस्ट एक कप पानी हमें इसमें डालना है। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे हम। ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिटिल बिट सॉल्ट, नॉट मच, लिटिल बिट, क्योंकि ये वो हो जाते हैं ना सूख के। और हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आप अजवाइन की जगह जीरा भी डाल सकते हो, बट मेरे को अजवाइन ही डालना पसंद है, मैंने अजवाइन डाला। और ये मैं अब सबसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ उसको। अब हम क्या करेंगे, ये हम मैंने एक बर्तन लिया और इसमें मैंने ऐसे करके कपड़ा बांध लिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो अगर आपके पास वो छलनी होती है ना, वो छलनी है, तो आप स्टीम करने के लिए बेसिकली हमने ऐसा किया है। ये मेरे लंच बॉक्सेस होते हैं ना, उन लंच बॉक्स के ऊपर का कवर है, लिड्स हैं ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस टाइप के कोई ढक्कन है जिसके टाइप के, या प्लेट्स हैं, एकदम फ्लैट प्लेट्स हैं, या प्लास्टिक के मत ले यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर स्टील हो या एल्युमिनियम हो तो चलेगा, बट उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बिल्कुल पिंच, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल मैं इसमें लगाती हूँ, जिससे कि इजीली मेरे पापड़ निकल के आएंगे। फर्स्ट टाइम में लगाना होता है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऑयल लगा देंगे ना तो फिर ये पापड़ जो है वो हमारे, मतलब ये जो हमारा लिक्विड है वो टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें पानी पानी है ना, लिक्विड एकदम। तो हल्का सा हमने इसको ग्रीस कर दिया है। अब हमें इसको प्लेट्स हैं उनको मैंने ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये राइस पाउडर है तो ये नीचे बैठ जाता है, जितनी बार भी आप इसको यूज़ करें तो उतनी बार इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें एक स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी और इसको ऐसे मैंने पूरा राउंड राउंड किया, ये पूरा कवर हो जाना चाहिए ऐसे। अब ये पूरा कवर हो गया, इधर मेरा पानी बॉयल हो गया। अब बस मैं ये इसमें रखूँगी ऐसे, और मैं इसको ये ऐसे कवर कर दूँगी। फिर मैं ये एक और मेरे पास स्पेस है कि मैंने बड़ा बर्तन लिया है, ये बस मैं इसको ऐसे फिर से ऐसे ऐसे करती हूँ, हिलाती हूँ, और ये रेडी। नाउ वी कैन पुट, हम इसको इसमें वापस कर सकते हैं। बट ये कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ना ये सीधे ही रहे, क्योंकि अगर सीधे नहीं रहेंगे ना तो ये पापड़ जो है वो आपके मोटे पतले बनेंगे, कहीं से मोटे कहीं से पतले। ये देखो ये पापड़ ऐसे आ गया है, इसको ऐसे ऐसे किया साइड से, और ये एकदम रेडी है। हम इसको स्लोली स्लोली दोनों साइड से पुल करते हुए पूरा आउट कर, ये देख और सब परफेक्ट पापड़। हमने इसको इस तरीके से सुखा दिया।